अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर तेजस एक पहल फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से आज भार्गवा हायर सेकेंडरी स्कूल में एक ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस मौके पर संस्था के संस्थापक आकाश परिहार सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रेसिंग तथा अन्य भी कई खेल खेले गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। रखा गया जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ को भी शामिल किया गया, जैसे वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, उसके बाद बैडमिंटन हो गया और रेस भी जो है रन फॉर यूनिटी के लिए रेस भी रखी थी जिसमें बहुत सारी बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया। और हमारा इस प्रोग्राम का रखने का मेन उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली हैं और इंटरनेशनल वुमेन डे का भी आप जानते होंगे कि जब ये शुरुआत की थी 1907 में तो इसका मेन उद्देश्य था कि जैसे बाकी मूवमेंट हुए, अलग अलग मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि सबसे पहले अमेरिका में महिलाओं को बराबर का सहयोग मिले, महिलाओं को बराबर का उनको ओहदा मिले, वो मूवमेंट्स जो है शुरू हुआ था अमेरिका में, जिसकी शुरुआत जो है वहाँ के सोशलिस्ट जो पार्टीज थी उन्होंने भी इसको आगे किया और इस दिन को 8 मार्च को डिक्लेयर किया गया कि इंटरनेशनल वुमेन डे के उस पर रखा गया और इसमें पूरे विश्व में इस डे को मनाया जाता है और ये ज़्यादातर जो है महिलाओं को आगे लाने के लिए ये दिन है और इसमें महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी ऐसे ऐसे इवेंट जो हैं करें और महिलाओं का, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारी महिलाओं को भी आगे लाया जाता है, बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है, तो इस सारे विषय पे जो है आज का ये प्रोग्राम था और हम आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आए। और चिझामा राफियाबाद में आज अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अपनी पार्टी के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक यावर मीर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ज्यादा से ज्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक सकारात्मक संकेत है। असल में हमारी तंजीम का फाउंडेशन डे 8 तारीख को होता है, मगर जुमा की वजह से हमने आज ये फाउंडेशन